नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में अपन बात करेंगे मारुति सुजुकी की। दोस्तों अभी मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिलहाल छोटा मोटा अपसाइड देखने को मिल रहा है मारुति सुजुकी में, और बड़ी तेजी के बाद दोस्तों अभी अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट 9,800 के ऊपर स्टॉक अगेन कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि जितना ज़्यादा हो सकता है अभी यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से ऑटो सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, मारुति सुजुकी दोस्तों अभी तक यहाँ से उतना ऊपर तक ब्रेकआउट कर नहीं पाया है, उतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप आने वाले 6 महीने 1 साल तक अगर यहाँ पर होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मारुति सुजुकी बनाकर दे सकता है। तो अभी दोस्तों ये जो लेवल है नीचे की ओर जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 9,800 का सपोर्ट अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है तो वैसे कंडीशन में नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 9,600, और जब तक स्टॉक दोस्तों 9,400 के ऊपर है तब तक अपसाइड की ही संभावना मारुति सुजुकी में बनी हुई है। यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है, अगर बाउंस बैक करके यहाँ से 10,000 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ से आने वाले 6 महीने 1 साल तक अगर पोजिशन को होल्ड करते हैं तो 15,000 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। जिस तरह से दोस्तों ऑटो सेक्टर में मोमेंटम जारी है।